ये बैठक केवल फोटो खिंचाने के लिए बैठक हो रही है, चाय पानी के लिए बैठक हो रही है, इस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। नीतीश कुमार का तो समय चला गया, जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए वह दावेदारी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात, जो संयोजक बनने से वो खुश थे कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, वो दावेदारी खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल 10 दिन के लिए अज्ञातवास में जा रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि पंजाब में सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ये बैठक केवल फोटो खिंचाने के लिए बैठक हो रही है, चाय पानी के लिए बैठक हो रही है, इस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। इसके पहले उन्होंने 2 दर्जन सब कमेटी बनाई थी, एक भी उप समिति की आज तक बैठक नहीं हुई। रैली का डेट तय हुआ जिसको कमलनाथ ने स्थगित कर दिया, उसके बाद रैली का डेट तय नहीं हुआ। और क्या इतनी बड़ी बैठक में सीट शेयरिंग तय होगी? अरे मंशा जाहिर कर सकते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो इन 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद पूरा ये जो इंडी गठबंधन है इतना डिमोरलाइज है कि वो अब खड़े होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। शरद पवार की पार्टी तो टूट चुकी है। तो इसलिए कुल मिलाकर हताश, निराश, थके हुए लोग जिनको कोई आशा की किरण नहीं दिखाई पड़ रही है, वैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा होकर वो नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।